तो आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं चिकन नूडल्स बनाने का सबसे आसान तरीका। इस गर्मा गर्म चिकन नूडल्स को आप ग्रेवी वाले वेज मंचूरियन या फिर चिकन मंचूरियन के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 से 5 ग्लास पानी को बॉईल कर लिया है। गर्म पानी के अंदर मैंने आधा छोटा चम्मच तेल डाल दिया और आधा छोटा चम्मच हम नमक डाल देंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर डालेंगे 140 ग्राम यहाँ पे मैंने हक्का नूडल्स लिए हैं। तो इस तरह से दो भागों में तोड़ते हुए मैंने उबलते हुए पानी के अंदर इसे डाल दिया है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब भी आप नूडल्स को बॉईल करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। यहाँ पे मैंने नूडल्स को 80% बॉईल करके पका लिया है। अब मैं इसे स्ट्रेनर के अंदर निकाल लूँगी। तो छन्नी के अंदर डालकर इसके अंदर का सारा पानी मैंने निकाल लिया है। इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि नूडल्स ओवर कुक ना हो, इसलिए अब मैं इसे फैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। नूडल्स बॉईल करने के मैंने जो भी टिप्स बताए, अगर आप उसे फॉलो करते हुए नूडल्स को पकाते हैं तो आपके नूडल्स नॉनस्टिकी बनने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ये बोनलेस चिकन लिया है और इसे मैंने कुछ इस तरह से काट लिया है छोटे छोटे पीस में। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हम सोया सॉस डाल देंगे और साथ ही साथ डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच विनेगर, 1 बड़ा चम्मच भर के यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। एक बोल के अंदर मैंने 2 अंडे फोड़ के लिए है तो इसे हमें कुछ इस तरह से फेंट लेना है। अब मैं क्या करूँगी, फेंटे हुए अंडे में से लगभग 2 छोटे चम्मच के करीब ये चिकन के मिश्रण के अंदर डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब मैं चिकन को पका लूँगी। तो एक बड़ी सी कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है। गरम कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। गरम तेल के अंदर डालेंगे ये सारा मैरिनेट चिकन। तो चिकन को यहाँ पे मैंने मिला दिया है। चिकन जल्दी से पक जाए इसलिए मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लीड लगा के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लूँगी। बीच बीच में आपको लीड ओपन करके इसे मिलाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से गल गया है। अब मैं ये पका हुआ चिकन एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। फिलहाल मैं चिकन को साइड में रख दूँगी और सेम कढ़ाई और तेल के अंदर डालूँगी मैं 2 छोटे चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ ही साथ डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने कुछ इस तरह से काट लिया है। 1/2 कप कटी हुई हरी कलर की शिमला मिर्च डाल देंगे, 1 कटा हुआ गाजर डालेंगे, 1 कप कटी हुई पत्ता गोभी डाल देंगे। अब मैं सब्जियों को 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लूँगी। तो इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे हमारी सब्जियाँ पक के बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने कढ़ाई के साइड में कर दिया है क्योंकि सेम यही कढ़ाई के अंदर मैं अंडा भी फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पे फेटा हुआ अंडा मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। ये वही 2 फेटे हुए अंडे है जो शुरू में हमने फेट के साइड में रखा था। अब मैं इस तरह से चलाते हुए अंडे को 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लूँगी। आपने वीडियो में एक बात नोटिस की होंगी कि 2 बड़े चम्मच तेल के अंदर मैंने चिकन को भी फ्राई किया, सब्जियां भी पका ली और अंडे को भी आप देख सकते हैं पका के तैयार कर लिया है। अब मैं अंडा और सब्जी के अंदर 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल दूंगी ताकि खाने में फीका ना लगे। तो इन दोनों को मैंने फिर से मिला दिया है। अब बारी आती है इसके अंदर ये फ्राई किया हुआ चिकन डालने की। इसे हमें सिर्फ मिला देना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये नूडल्स डाल देंगे जो हमने शुरू में ही इसे पकाकर फैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख दिया था। 1 छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 छोटा चम्मच विनेगर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच भर के यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे और थोड़ा सा हम ये ब्लैक पेपर डालेंगे लगभग 1/4 छोटा चम्मच के करीब। इन सारी चीज़ों को आपको तेज आँच पे 2 मिनट तक अच्छे से मिला देना है। इसे आपको पकाना नहीं है, सिर्फ मिलाना है हाई फ्लेम पे। यहाँ पे नूडल्स बनके बिल्कुल तैयार है। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे एक कटी हुई स्प्रिंग अनियन। तो स्प्रिंग अनियन को मैंने मिला दिया है। यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इस गर्मा गर्म चिकन नूडल्स को मैंने सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अगर आपको इंस्टेंट और इजी बनने वाली शेजवान फ्राइड राइस की रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नूडल्स बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं बने हैं, बहुत ही लाजवाब नूडल्स बनके तैयार है। इसके ऊपर मैं फिर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल के गार्निश कर लूँगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और भी आने वाली मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।